जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षरम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वरातु कोपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिस्सेव्य मानौ स्मरामि। जयतां सुरतौ रूपंगो मो मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदनमोहनौ श्रवसोः कुलयमक्षोः मञ्जनमरसमहेन्द्रमणिधामां वृन्दावं तरुणीनां मण्डनमखिलं हरिर्जयति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्राणां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री परम मंगल श्री बृहद्भागवतामृत श्री विष्णु पार्षद गोप कुमार को मुक्ति धाम में सिद्ध धाम में श्री हरिनाम उनकी संकीर्तन की महिमा का गायन करते हुए वर्णन कर रहे हैं गायन कर रहे हैं। 158 में शायद श्लोक है ना 166 श्लोक है। हाँ, अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि संकीर्तन और प्रेम, ये संकीर्तन भी प्रेम का एक लक्षण है। संकीर्तन प्रेम का ही एक लक्षण है। इसको आगे बता रहे हैं कि संलक्षण प्रेम भरस्य कृष्णे कैश्चित् रसज्ञै रसज्ञै उत कथ्यते तत् प्रेमो हरेणैव निजेष्ट नाम संकीर्तनम हि स्फुरति स्फुटार्थ्या। संलक्षणम प्रेम भरस्य कृष्णे कैश्चित् रसज्ञै उत कथ्यते तत्, तत् माने श्री हरिनाम संकीर्तन को, तत् माने हरिनाम संकीर्तन को। कुछ लोग प्रेम भरस्य संलक्षणं कथ्यते, प्रेम रस का ही एक लक्षण बताते हैं। माने जब प्रेम का भर माने प्रवाह, प्रेम की जब बाढ़ आती है, भर माने बाढ़ या अधिकता, प्रेम की जब अधिकता होती है तो रसकीर्तन तत् माने उस संकीर्तन को उस प्रेम की अधिकता का ही एक लक्षण बताते हैं। अर्थात जब प्रेम ज्यादा आया तो वो प्रेम अपने आप कहीं कृष्ण नाम के रूप में प्रकट होता है। जैसे समुद्र तो रह जाता है नीचे और उसकी लहर उठती है आकाश तक पहुंच जाती है, ऐसे ही प्रेम तो रह जाता है नीचे और प्रेम का जो उल्लास है लहर, उस लहर के रूप में कृष्ण नाम हे कृष्ण ये मुख से अपने आप ऊपर उठता है। तो ये कहने का तात्पर्य कि प्रेम की अधिकता का एक लक्षण श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है, ऐसा विद्वान जन कहते हैं। प्रेमो हरे रैव निजेष्ट नाम संकीर्तनम ही स्फुरति स्फुटार्थ्या। प्रेम की जब अधिकता होती है तो अधिकता में जब कष्ट बहुत आता है तो कष्ट में भी प्यारे का नाम अपने आप निकलता है। तो निजेष्ट नाम संकीर्तनम, अपने इष्ट का नाम संकीर्तन प्रेम की अधिकता में स्फुट आर्त्या, अत्यंत स्पष्ट आरती में, व्याकुलता में, विरह में भी कृष्ण नाम निकलता है। तो दुख में भी भक्त के मुख से कृष्ण नाम अपने आप निकलता है। नाम नाम तो संकीर्तन मारते भारान मेघम बिना प्रावशित चातका नाम रातम वियोगात स्वपते रथांगी ही वर्गस्य चाक्रोशनवत प्रति ही। बोले इस नाम संकीर्तन को तुम ऐसा जानो जैसे कि यह कहीं विरह का प्रलाप है। नाम संकीर्तन विरह का प्रलाप मात्र है, प्रलाप है। अब कैसे देख रहे हैं उसके लिए एक उपमा दे रहे हैं कि नाम नाम तो संकीर्तनम आर्त भारात, आरती की विकलता के कारण, आर्त भार माने आरती की बाढ़ जब आई, उस कष्ट की बाढ़ आने पर, व्याकुलता की बाढ़ आने पर श्री नाम संकीर्तन भक्त के मुख से वैसे ही प्रकट होता है जैसे कि मेघम बिना प्रावृषि चात का नाम। जैसे प्रावृषि माने वर्षा में, वर्षा ऋतु हो और मेघ आकाश में नहीं हो तो मेघ न होने पर या कहीं दूर मेघ को देख रहा है तो जैसे चातक एक पपीहा प्यू 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 ऐसा कहकर के जैसे आवाज देने लगता है, ऐसे ही जब प्यारे का विरह प्राप्त होता है, इष्ट का विरह प्राप्त होता है तो भक्त के मुख से भी उस समय हे कृष्ण हे हरे ऐसे नाम निकलने लगते हैं। तो नाम नाम तो संकीर्तनम, नाम का संकीर्तन आरती धारा, आरती की अधिकता से होता है जैसे मेघम बिना चातक का नाम, मेघ को न देख करके चातक के मुख से जैसे प्यू प्यू की आवाज निकलने लगती है, पपीहा के मुख से प्यू प्यू की आवाज निकलने लगती है। अथवा रात्रों वियोगात स्वपते रथांगी वर्गस्य। कवियों में एक प्रसिद्धि है कि दिन में चकवा चकवी कोक कोकी ये दिन में तो मिल जाते हैं और संध्या होते ही किसी नदी के एक कोने एक पार में तो चला जाता है चकवा और दूसरे पार में रह जाती है चकवी और वो पुकारते रहते हैं एक दूसरे को परंतु मिल नहीं पाते हैं। रात में नहीं मिलते हैं, दिन में वे मिल जाते हैं। तो उसी कवि प्रौढ़ी को, ये कुछ कवि प्रौढ़ी हैं, कवियों में प्रसिद्धि है, अब व्यवहार में है कि नहीं ये तो कहीं पता नहीं है परंतु कवियों में ये प्रसिद्धि है। तो वही कह रहे हैं रात्रु वियोगा स्वपते, अपने पति का रात्रि में वियोग हो जाने पर रथांगी वर्गस्यो, रथांगी माने चक्री चक्रवाकी, वो चक्रवाकी आक्रोशन भक्त प्रति ही जैसे अपने प्यारे को पुकारती है ऐसे ही एक भक्त भी कृष्ण के वियोग में हे कृष्ण हे राम हे हरि ऐसा कहकर के पुकारने लगता है। नाम का ये सिद्ध स्वरूप है। नाम का प्रेम प्राप्त करने के लिए जहां नाम लिया गया वो नाम का साधक स्वरूप है, साधन स्वरूप है। और जहां प्रेम में विरह में तो व्याकुलता आरती के रूप में और मिलन में शीतकार के रूप में, आनंद की शीतकार के रूप में जहाँ कृष्ण नाम प्रकट हो रहा है वो नाम का सिद्ध स्वरूप है। तो यहाँ पर नाम के सिद्ध स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि कब वो अवसर होगा जब हे प्रभु श्री नाम हमारे जिह्वा के ऊपर आनंद की शीतकार या विरह की आह के रूप में प्रकट होगा। विचित्र लीला रस सागर से प्रभो विचित्रा स्फुरता प्रसाद प्रसादा विचित्र संकीर्तन माधुरी सा नत स्वयत्ना इति साधु सिद्धे। विचित्र लीला रस सागर से, श्री कृष्ण अद्भुत अद्भुत लीलाओं के समुद्र हैं। विचित्र लीला रस के श्री कृष्ण समुद्र हैं। उन हरि ने यदि कृपा की हो तो विचित्रात् स्फुरतात् प्रसादा, श्री प्रभु का अद्भुत कोई कृपा हो तो कृपा होने पर ही विभिन्न संकीर्तन की जो माधुरी है वो संकीर्तन की माधुरी श्री जिह्वा के ऊपर कृपा के कारण प्रकट होगी। तो विचित्र संकीर्तन माधुरी, विभिन्न प्रकार के संकीर्तन की जो माधुरी माने नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन, गुण संकीर्तन और लीला संकीर्तन, ये विचित्र नाम विचित्र संकीर्तन है। इन चारों प्रकार के संकीर्तन की माधुरी सा वो प्रकट होगी, परंतु न तो स्वयत्ना, कभी भी अपने यत्न से संकीर्तन की माधुरी प्रकट नहीं होती है। इति साधु सिद्धे, ये बात पूरी तरह से सिद्ध है कि ठाकुर की यदि कृपा होती है तो ठाकुर की कृपा होने पर ही जीव के ऊपर कृष्ण नाम प्रकट होते हैं। इसी बात को श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्त सामने सिंधु में निरूपण किया कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राही इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदा। श्री कृष्ण उनकी नाम लीला इत्यादि हम ये चाहें कि हम जब चाहेंगे तब नाम ले लेंगे तो नहीं होगा, नाम नहीं आएंगे जिह्वा के ऊपर। यदि हम सेवा करना चाहेंगे तो भक्त की सेवा की कामना देख करके श्री कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर स्वयं अवतरित होंगे। अन्य किसी नाम को अपने आप लिया जा सकता है परंतु कृष्ण नाम अपने आप नहीं लिए जा सकते हैं। जब कृष्ण कृपा करेंगे, कृष्ण नाम की सेवा करना चाहेंगे तब श्री कृष्ण नाम कृपा के कारण जिह्वा के ऊपर स्फुरित होंगे, प्रकट होंगे। सात स्वयत्ना नौ, वो विचित्र लीला की जो माधुरी है वह अपने प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होगी, वह केवल कृपा के द्वारा ही उत्पन्न होने वाली एकमात्र वस्तु है। कृपा के द्वारा ही माधुरी उत्पन्न होगी, अपनी इच्छा के अनुसार माधुरी प्रकट नहीं होगी। अर्थात श्री कृष्ण नाम भगवत स्वरूप हैं और ये नहीं कि जब चाहो तब कृष्ण नाम हम जब चाहेंगे तब ले लेंगे। कृष्ण कृपा कर रहे हैं तो कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर आएगा, नहीं तो जिह्वा के ऊपर नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं, ऐसे उदाहरण मिले कि डोकरी मर रही है, सब कह रहे हैं कृष्ण कहे कृष्ण कहे, वो कह नहीं रही है और पुकार रही है कि बेटा कहाँ है, नाती कहाँ है, बहू कब आएगी, कहाँ है। और हाँ बेटा कहते प्राण निकल गए, कृष्ण नहीं निकला मुंह से। मरते समय तक प्रयत्न कर, सारा घर के लोग प्रयत्न करते रहे, ऐसा भी कहीं कहीं देखा गया। तो कृष्ण यदि कृपा करे तो जिह्वा के ऊपर कृष्ण नाम आए। बोलना तो बड़ी कठिन बात, सुनाई भी दे जाए कृष्ण नाम, ये भी बड़ी बात है, कृपा की बात है। कृष्ण कृपा करें तो कृष्ण नाम सुना जा सकेगा या देखा जा सकेगा, नहीं तो देखा नहीं जा सकेगा। अब कीर्तन से पाप निवृत्ति हो जाती है ये तो एक बड़ी सामान्य बात है। नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, ये दोनों नामाभास का परिणाम है। श्री कृष्ण नाम का परिणाम है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति। नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, और संबंध ज्ञान पूर्वक कृष्ण नाम ग्रहण करने पर तब कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति होती है। अब इसी बात को बता रहे हैं कि इच्छावशात पापम उपासकानां क्षीयेत भोगोन्मुखमप्यो मुष्मा प्रार्थमात्रं भवति तरेषां कर्मावशिष्टं यदवस्य भोग्यम। इच्छावशात पापम उपासकानां क्षीयेत, यदि कोई नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है और यदि उसकी ये इच्छा है कि नाम के द्वारा मेरे पाप दूर हो जाए, तो भगवान नाम के द्वारा तब प्रारब्ध कर्म भी दूर हो जाएंगे। यदि उसकी इच्छा नहीं है और यही वो नाम ग्रहण कर रहा है कि भाई नाम तो मैं ले रहा हूँ ठाकुर की प्रीति के लिए, मेरे शरीर में जो रोग हो गया है इस रोग के लिए मैं नाम का दुरुपयोग क्यों करूं, नाम का उपयोग मेरा रोग दूर हो जाए इसके लिए मैं नाम का उपयोग नहीं करूंगा। मैं नाम का उपयोग करूंगा सर्वदा सर्वदा कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ये सही तरीका भी यही है। परंतु यदि कोई भक्त कदाचित ये चाहे कि नाम के द्वारा मेरे प्रारब्ध कर्मों की भी निवृत्ति हो और भक्ति हरिनाम कृपा करें तो प्रारब्ध कर्मों की भी निवृत्ति हो सकती है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि नाम के द्वारा संचित क्रियमाण व प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्म निवृत्त हो जाते हैं। प्रारब्ध और अपराध दो प्रकार के कर्म, इनमें अपराध कर्म जो है वो दो हैं, बीज और कूट, शब्दांतर है। बीज को हम कह देंगे संचित, कूट को हम कह देंगे क्रियमान, प्रारब्ध को कह देंगे प्रारब्ध। तीन प्रकार के कर्म है संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। संचित कर्म वैसे हैं जैसे कि तरकस में रखा हुआ तीर, उसका नाम हुआ संचित। चाहे तो हम प्रयोग करें, नहीं चाहे तो तरकस में रखा हुआ हमारा, हमारे पास में हमारी चीज है, ये हो गया संचित। क्रियमान कर्म कौन से हैं, जैसे धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ तीर, परंतु अभी छूटा नहीं है, अभी छोड़ने वाले धनुष के हाथ में है कि वो कब छोड़े, खींच भी लिया है परंतु उसने छोड़ा नहीं है तीर को, तो वो हो गया क्रियमान। परंतु प्रारब्ध कर्म वो है जैसे छूटा हुआ तीर। तो संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, ये तीन कर्म है। तो नाम के द्वारा संचित और क्रियमान कर्म तो अपने आप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म जो है वो ये कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्म भोगने से ही दूर होते हैं। परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति नहीं होती है, ज्ञान के द्वारा संचित और क्रियमान कर्मों की तो निवृत्ति होती है, परंतु ज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। परंतु भक्ति की स्थिति यह है कि यदि कोई भक्त चाहे और श्री हरिनाम भी कृपा करें तो उसके प्रारब्ध कर्मों की भी निवृत्ति हो सकती है। और इसमें प्रमाण श्री कृष्ण के द्वारा गुरु सांदीपनि के पुत्र को संयमनीपुरी से वापस लाना, यह इसका प्रमाण है कि श्री कृष्ण कृपा वह बलवान वस्तु है जिसके द्वारा प्रारब्ध भोगते हुए गुरु के बालक को भी श्री कृष्ण संयमनीपुरी से ले आए। तो प्रारब्ध कर्मों की निवृत्ति भक्ति के द्वारा हो सकती है। ज्ञान के द्वारा संचित, क्रियमान, इन दो कर्मों की केवल निवृत्ति होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि भजन करने वाला या ज्ञानी जो है, जो बड़ा प्रारब्ध था उसको छोटे में तल जाए, भाले की चोट और सुई की चुभन में पूरी हो जाए, ये तो संभव है, परंतु उसे भोगना पड़ेगा। परंतु भक्ति के द्वारा कभी कभी पूरी की पूरी निवृत्ति भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इच्छावशात पापम उपासका नाम किए, यह ठाकुर की इच्छा हो, इच्छावशात माने भगवान की यदि इच्छा है तो पापम उपासका नाम किए। तो एक उपासक के संचित क्रियमान और प्रारब्ध तीनों प्रकार के पापों की निवृत्ति हो जाएगी। उपासकों के सारे पाप संचित क्रियमान और प्रारब्ध ये तीनों निवृत्त हो जाएंगे। संचित का मतलब है जो पहले से पाप किए हैं और उनका फल नहीं निकला है, तीन तरकस में रखा हुआ है, वो संचित हो गया। क्रियमान में चढ़ा हुआ माने फल देने के लिए तैयार है और तो अभी दिया नहीं गया है, उसका प्रयोग नहीं किया गया है, ये कर्म भी दूर हो जाएंगे। संचित क्रियमान दूर होंगे, प्रारब्ध कर्म भी दूर हो जाएंगे। भोगोन्मुखम अपि अमुष्मा, जो भोगोन्मुख हो रहे हैं, भोगोन्मुख का मतलब है प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म भी दूर हो जाएंगे। अमुष्मात माने ये जो श्री हरिनाम है, इन हरिनाम से प्रारब्ध कर्म की भी दूर निवृत्ति हो जाएगी। अमुष्मात माने ये जो बिल्कुल वस्तु हाथ में हो उसको कहेंगे इदम, जैसे ये इदम कहलाएगा, ये उसको अमुष्मान अमुष कहा जाएगा। जो दूर है उसको तत् कहा जाएगा। इदम अदह तत्, ये तीन प्रयोग हैं। तो अमुष्मान माने ये जो श्री हरिनाम है थोड़ी सी दूर पर, उनके द्वारा यदि श्री हरिनाम कृपा करें तो पापी के पाप कर्म भी निवृत्त हो सकते हैं, सारे तीनों के तीनों। संचित क्रियमाणी नहीं, प्रारब्ध भी निवृत्त हो जाएंगे। प्रारब्ध मात्रम भवति तरेषाम, परंतु इतरेषाम माने जो कर्मी और ज्ञानी हैं उनके प्रारब्ध कर्म निवृत्त नहीं होते हैं, उनको भोगने ही पड़ते हैं। इतरेषाम माने भक्ति के अतिरिक्त अन्य लोग जो हैं उनको प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ेंगे। कर्मावशिष्टम यद अवश्य भोग्यम, जो कर्म का फल मिल रहा है प्रारब्ध के रूप में वो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहीं ये कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ अशुभ कर्म है उनको अवश्य ही भोगना भी पड़ता है, पर भक्ति के द्वारा वो भी निवृत्त हो जाएंगे। महाशय हरिनाम सेवका सोगोप्य तद्भक्त महानिधे स्वयं प्रकाश भीत्या व्यवहार भंग में स्वदोष दुखान्यनुदर्शयन्ति ते। अब यहाँ पर एक बात प्रश्न उठा कि यदि भक्ति के द्वारा प्रारब्ध कर्म दूर हो जाते हैं तो गुरुजनों के चरित्र में ये क्यों देखने में आता है कि मृत्यु के पूर्व उनको भी रोग होते हैं, मृत्यु के पूर्व वे भी कहीं चिंता और व्याकुलता से कहीं युक्त दिखते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर दे रहे हैं कि महाशया ये हरिनाम सेवका, जो हरिनाम की सेवा करने वाले महाशय हैं, महान उदार व्यक्ति हैं, संतगण जिन्होंने खूब भजन किया है, सुगोप्य तद्भक्त महानिधे, वे अपनी भक्ति को सुगोप्य रखकर रखना चाहते हैं, भक्ति को छिपा करके रखना चाहते हैं, कहीं ये नहीं हो जाए कि हमारी भक्ति प्रकट हो जाए तो प्रकाश भीत्या हमारा प्रभाव कहीं प्रकट हो जाए, इसके भय के कारण व्यवहार भंगी भी वे अपने व्यवहार को ऐसा दिखाते हैं जैसे वे, और कोई उनसे पूछे बाबा ये क्या है तो कहते भैया हमारे कर्म के भोग हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ऐसा वे लोग भी संतगण भी कहते हैं। तो प्रकाश भीत्या अपना भजन प्रकाशित नहीं हो जाए इसलिए व्यवहार भंगी भी व्यवहार की भंगिमाओं को दिखाते हुए स्वदोष दुखानी अनुदर्शयन्ति, अपने दोष और दुख इन दोनों को दिखाते हैं, भैया हमने ये सब पाप किए होंगे उनका फल भोग रहे हैं, ये दुख हमको हमारे किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसा कहकर के भी दिखाते हैं। बड़े चतुर हैं, अपने भजन को छिपा देते हैं और कहीं बहाना बना करके ऐसा दिखा देते हैं। अब इसमें दो तीन बातें हैं। गुरुजनों के अंतकाल में उनकी असमर्थता प्रकट होना, व्याकुलता प्रकट होना, इसके माध्यम से बड़े कृपालु हैं वे। सबसे पहला लाभ तो ये है कि वे हमको सेवा करने का, शिष्यों को सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं एक बार। फिर दूसरी एक विशेषता संत गणों में जो व्यवहार मार्ग में दिखती है, रोग चिंता इत्यादि जो मृत्यु के समय उनमें दिखती हैं, वो ये दिखाने के लिए कि भाई कहीं ये मत समझ लेना कर्म मार्ग बेकार है, कर्म मार्ग भी बना रहे, कोई भक्ति के नाम पर कर्म को एकदम उच्छिन्न नहीं कर दे। ज्ञान और कर्म ये भी अनिवार्य हैं, इसलिए विवेक भी रखो, दूसरों को शिक्षा देने के लिए कि विवेक भी रखो और जो ठाकुर ने तुमको कर्तव्य बताया है उस कर्तव्य का भी पालन करते रहो। ये दिखाने के लिए वे रोग इत्यादि को कहीं स्वीकार करते हैं। और तीसरी बात कि चित्त तो उनका लगा हुआ है भगवत आनंद में, भगवत सेवा में, परंतु ऊपर से अपने प्रेम को छिपाने के लिए वे रोग चिंता इत्यादि दिखाते हुए प्रकट होते हैं। तो ये संतों की एक लीला है, तत्वतः वे कर्म बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। तन्नाम संकीर्तनम मातृतो खिला भक्ता हरे स्युः हत दुख दूषणा। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन मात्र से, मात्र कहने का तात्पर्य है नामाभास, नाम संकीर्तन मात्र माने नाम का उच्चारण मात्र करने से, नामाभास मात्र से, जैसे बेटे का नाम लिया अजामिल ने नारायण, तो नाम संकीर्तन मात्र केवल उच्चारण मात्र हुआ, इतने मात्र से ही भक्ता हरे स्युः हत दुख दूषणा। ये बात सुनिश्चित है कि नामाभास मात्र से भी सारे दुख और दूषण दूर हो सकते हैं, फिर भी भक्तगण उसको दिखाते इसलिए नहीं हैं कि वे अपने प्रेम को छिपाना चाहते हैं। तो संकीर्तन के नाम मात्र के द्वारा हरि के जो भक्त हैं उनके हत दुख दूषणा, दुख और दूषण सब दूर हो जाएंगे, हो जाते हैं। केचित ये ऐसा है तथापि प्रवत कृपाकुला लोकान सदाचारम एवं प्रशासति। देखिए एक बहुत बढ़िया बात जो अभी अभी कह रहे थे वो एक तर्क यहाँ पर भी दे दिया कि अन्य लोगों को सदाचारम, सत आचार जो हैं उनकी शिक्षा देने के लिए कि कर्म मार्ग व्यर्थ नहीं है, उसका भी पालन करते रहना, ऐसा लोगों को शिक्षा देने के लिए वे कृपालु होकर के अपने दुख दोष इनको प्रकट करते हुए विराजमान होते हैं। तो तन नाम संकीर्तन मात्र तो खिला, नाम के उच्चारण मात्र से ही यद्यप दुख दूषण दूर हो सकते हैं, फिर भी वे दुख दूषण को दूर नहीं करते हैं और व्याकुलता आदि मृत्यु के समय दिखाते हैं, अपने अंतर्धान होने के समय अंत समय में व्याकुलता दिखाते हैं, क्योंकि प्रभुवत कृपाकुला लोकान सदाचार, जैसे भगवान कृपा से युक्त होकर के संसार को सदाचार की शिक्षा देते हैं, ऐसे ही श्री संतगण भी, गुरुदेव भी जीवों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए कहीं रोग इत्यादि दिखाते हैं। और सेवकों को सदाचार दो प्रकार का, सेवक गुरु की सेवा करे, ये एक सदाचार का सुअवसर प्रदान कराए, और साथ ही साथ में कि सबको सत्कर्म का पालन करते रहना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए। नाम के बल पर कहीं हम कर्तव्य के प्रति प्रमाद न करें, कृपा के बल पर प्रमाद न पालने, ये भक्तों में कभी कभी दोष भी आ जाता है, कृपा के बल पर प्रमाद, कि कृपा होगा तो भजन भी छोड़ दिया, ठाकुर कृपा करेंगे, अपने आप कृपा करेंगे, उनकी कृपा में कोई कारण नहीं है, फिर हम भजन क्यों करें, लोग हो गया ना गड़बड़। ठाकुर की कृपा के बल पर अपना साधन छोड़ देना या कृपा के बल पर कर्म कांड धर्म धर्मशास्त्र उसको भी छोड़ देना और भजन करना नहीं कृपा के बल पर, तो ये कहीं बंधन की बात हो जाएगी। भजन करते हुए कर्म छूट जाए कोई दोष नहीं, परंतु जानबूझ करके कर्म छोड़ा जाएगा तो दोष। इसलिए ज्ञान मार्ग में एक बड़ी सुंदर बात कही गई, बड़े सबके काम की बात है कि न कर्म त्यजते योगी कर्म भी त्यजते ही सब। योगी कर्म का त्याग नहीं करता है बल्कि कर्म योगी का त्याग कर देता है। ये बात सिद्धांत में कही है। भक्त की भी स्थिति ये है कि भक्त कर्म का त्याग नहीं करेगा परंतु कर्म अपने आप ही भक्त को छोड़ देगा और उसको दोष लगेगा नहीं। यदि हम भजन करेंगे नहीं, कर्म का त्याग करेंगे तो हम अपराधी बन जाएंगे, परंतु भजन के कारण यदि कर्म छूट गया तो कोई अपराध नहीं है। संध्या वंदन इत्यादि कर रहे हैं, सेवा में इतने लग गए कि संध्या छूट गई, संध्या का टाइम बीत गया तो दोष नहीं है, परंतु आराम से पड़े हुए हैं, सो रहे हैं और संध्या नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं तो दोष है। तो ये बात तो कृपा के बल पर प्रमाद नहीं पालना है, ये एक बहुत सिद्धांत की पक्की बात होती है कि हमको अपना भजन करते रहना है, साधन करते रहना है। तो सदाचारम एवं प्रशासति, श्री भगवान और गुरुदेव सदाचार का उपदेश देने के लिए श्री गुरुदेव और संतगण कभी कभी जो दुख और दोष उनको दिखाते हुए विराजमान होते हैं। दुख दोषम दुस्संग दोषम भक्तादेव यथा दुद्युत दोषम च युधिष्ठिरादयः ब्रह्मस्व भीतिं च निर्वागादयो मलाः प्रदर्शयन् स्वव्यवहारतो जनान्। अब यहाँ पर तीन बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतगण अपने दोषों को दिखा करके भक्ति को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए तीन दृष्टांत दिए कि श्री भरत जी आदि भरत, उन्होंने दुस्संग दोषम, दुस्संग जो है उसके दोष से बचना चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए श्री आदि भरत ने मृग का संग किया और उनके भजन में बाधा आ गई। ये हमको शिक्षा दी जा रही है कि भाई भजन में दुस्संग जो है उसका त्याग करो, भजन करते हुए जो तुच्छ वस्तु हैं उनका भी त्याग करो। जीव विष्णु चक्रवर्ती जी के अक्षर है उस प्रसंग में, उनकी कलम है कि भगवत विरोधी जीव दया भी त्याज्य है। ये भरत जी के प्रसंग के द्वारा ये दिखाया कि यदि भजन में जीव दया करने से भी अपने भजन में बाधा पड़ती हो तो जीव दया के चक्कर में नहीं पड़े, फिर अपने भजन में लगे। जीव दया करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, परंतु ये जीव दया करने से यदि ऐसी स्थिति हो जाए कि जीव दया गले पड़ती हो और अपना भजन छूट जाए, जैसे भरत जी का आदि भरत का भजन छूट गया